सो गाइस इंस्टाग्राम पे ना काफी टाइम से ना बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमने 2CC तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम सर लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं, फॉलो अप भी कर रहे हैं, क्लोजिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ सर हम सही ढंग से कर रहे हैं, फिर भी सर लोग ना हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सर लोग मिनिमम बिलिंग नहीं करते, सर लोग 2CC की बिलिंग नहीं करते, राइट। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते या फिर मिनिमम बिलिंग नहीं करते या फिर 2CC की बिलिंग नहीं करते, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो भी पॉइंट्स के बारे में पता लगने वाला है, अगर आपने उस पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने काम किया, अगर आपने सारे पॉइंट्स को अगर आपने इंप्लीमेंट किया ना, तो मेरा आपसे वादा है कि आपका ज्वाइनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग आपके साथ मिनिमम बिलिंग भी करेंगे और लोग 2CC भी करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स अभी आपको पता लगने वाला है ना, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैंने काम किया था, जिसकी वजह से आज मैं हर महीना 3 AS, 4 AS, 5 AS हर महीने मैं कराता हूँ, वो भी अपने फ्रंट में, बाकी टीम जो कराती है वो अलग, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि वो सारे पॉइंट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास मेरी आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस देखो क्या है कि इस टॉपिक के ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है, बट मेरे से By mistake मेरे YouTube चैनल से ना वो वीडियो डिलीट हो गई, ठीक है। तो वही सेम वीडियो जो मेरे से डिलीट हो गई है मेरे चैनल से, वही सेम वीडियो आपको अभी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पता लगने वाला है कि वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग आपके साथ बिलिंग नहीं करते या फिर ज्वाइन नहीं करते। तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है, पीपल डोंट लाइक एंड ट्रस्ट यू। अगर आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा या फिर आपके साथ बिलिंग नहीं कर रहा, तो इसका एक रीजन है कि वो आपको लाइक नहीं करता या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान ना बिजनेस उसके साथ करना पसंद करता है जिनके ऊपर उसको ट्रस्ट होता है। अगर उसको ट्रस्ट नहीं होगा तो आपके ऊपर आपके साथ वो बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं करेगा। अगर आपने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट हुआ होगा, तब जाकर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, राइट। तो आपका प्रोस्पेक्ट भी तो सेम है ना। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको लाइक करे या फिर आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो इसका मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा, वीडियो कॉल। आपको हमेशा कोशिश करना है कि सामने वाले से वीडियो कॉल पे बात करो, जब तक उसकी क्लोजिंग नहीं हो जाती, उससे पहले क्लोजिंग से पहले 2 से 3 बार वीडियो कॉल पे आओ, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि यार देखो ये बिजनेस ऑनलाइन होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इशू तो रहता है यार, क्योंकि आप स्ट्रेंजर हो सामने वाले के लिए, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो वीडियो कॉल पे बात करना शुरू करो, ठीक है, 100% प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन था जिसकी वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर जो 2 है वो ये है, यू डोंट डू रिलेशन बिल्डिंग विद प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करते हो, जिसकी वजह से ना वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। आप हमेशा एक लाइन याद रखना, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट कंपनी। लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइनिंग करे और बिलिंग भी करे, तो रिलेशन बिल्डिंग तो करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा, सर मुझे तो रिलेशन बिल्डिंग करना आता ही नहीं, मैं कैसे करूं रिलेशन बिल्डिंग, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई बटन में आपको एक लिंक दिख रही होगी, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है मेरा, जहां पे मैंने बताया हुआ है कि आप प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखना, आप अच्छे से सीख जाओगे कि लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये दूसरा कारण क्या है कि आप प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करते, जिसके वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। तो उस वीडियो को देखो, रिलेशन बिल्डिंग करना सीखो और प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करो, 100% लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। देखो जो पॉइंट नंबर 3 है ना, मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है अगर कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिलिंग नहीं कर रहा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं मुझे कि सर लोग ना बिलिंग नहीं करते, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप ना लोगों को वैल्यू नहीं देते। अब वैल्यू देने का देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक पहला तरीका ये होता है कि सामने वाले को बेनिफिट देना, वो जितने भी अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसका बेनिफिट देना वो भी एक वैल्यू का पार्ट है। उसको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करना वो भी एक वैल्यू का पार्ट है, ठीक है। उसको कुछ फ्री में कुछ कंटेंट प्रोवाइड करना, कुछ ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करना जिससे सामने वाले को नॉलेज मिले, ठीक है, वो भी एक वैल्यू का पार्ट होता है, ठीक है। तो जब तक आप सामने वाले को वैल्यू नहीं दोगे ना, वो ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। लेट सपोज मान लो अगर कोई प्रोस्पेक्ट 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 50,000 की वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तब जाकर वो बिजनेस ज्वाइन करेगा। आप एक लाइन हमेशा याद रखना, पीपल विल पे मनी व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस, बट पीपल विल रिजेक्ट योर प्रपोजल व्हेन वैल्यू इज लेस देन प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, लोग पैसा तब पे करते हैं जब आप वैल्यू ज्यादा दिखाते हो उसके दिए गए पैसे से। लेकिन अगर मान लो वो कोई पर्सन 5,000 दे रहा है, बट आप उसको 1,000 की भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो क्या वो प्रोस्पेक्ट कभी ज्वाइन करेगा आपके साथ, क्या वो बिलिंग करेगा, नहीं करेगा। तो आपको वैल्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे।
सो आई होप अभी तक जो मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर की। पॉइंट नंबर फोर है, यू डोंट डू नीड आइडेंटिफिकेशन। आप ना प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करते, जिसके वजह से ना वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। हमें क्या करना होता है, प्रोस्पेक्ट की ना नीड को आइडेंटिफाई करके उसके नीड के अकॉर्डिंग उसे सॉल्यूशन देना होता है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है, तब जाकर ना कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करता है। आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नीड को ना आइडेंटिफाई नहीं करते। अब आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा कि सर हम नीड आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, इस लिंक पे क्लिक करना, ठीक है, और जाकर देखना। उसमें मैंने तीन तरीके बताए हुए हैं नीड को आइडेंटिफाई करने के, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, आप जाकर देख लेना, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे कि किसी भी प्रोस्पेक्ट का नीड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और उसको सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, ठीक है। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। तो ये चौथा रीजन है जिसके वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि आप सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई नहीं करते और उसके नीड के अकॉर्डिंग आप उसका सॉल्यूशन नहीं देते, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव की। पॉइंट नंबर फाइव है, यू डोंट क्लियर प्रोस्पेक्ट्स डाउट। अगर प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा या फिर बिलिंग नहीं कर रहा, इसका एक रीजन ये भी होता है कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाता है जिसको आप क्लियर नहीं करते, जिसके वजह से ना वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। अब एक प्रोस्पेक्ट के माइंड में ना देखो बहुत तरह के डाउट्स होते हैं, कुछ डाउट्स मैं बता देता हूँ। उसके माइंड में डाउट चलता है, ठीक है, कि यार मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या सामने वाला मेरी हेल्प करेगा नहीं करेगा, पैसे मेरे डूब तो नहीं जाएंगे, है ना, मेरे साथ लोग जुड़े या नहीं जुड़े, ठीक है, मेरे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट के माइंड में बहुत तरह अलग अलग तरह के ना मतलब डाउट्स चल रहे होते हैं। अब इसे डाउट्स को क्लियर करने के लिए देखो कोई आपको स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक कॉल करने की जरूरत नहीं है प्रोस्पेक्ट को। आपको ना बातचीत में जैसे आप फॉलो अप कर रहे हो या क्लोजिंग कर रहे हो, उसी दौरान ना आपको क्या करना होता है, ये सारे डाउट्स को क्लियर कर देना होता है बात बात में, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करे, तो आपके जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना उसके सारे डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। उससे डाउट्स पूछो कि क्या डाउट्स है, नहीं है, उसको क्लियर करो, ठीक है, तब जाकर ना वो ज्वाइन करेगा। क्योंकि यार डाउट एक ऐसा चीज है ना, वो बोले तो एक दुश्मन है, किसी भी इंसान को ना कोई भी काम शुरू नहीं करने देगा अगर उसके माइंड में एक भी डाउट रह गया तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, यू डोंट डू प्रीम्यून योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना प्रीम्यून नहीं करते, जिसके वजह से ना वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, वो आपको ब्लॉक कर देता है या फिर आपके मैसेजेस का वो रिप्लाई करना बंद कर देता है, ठीक है। तो प्रीम्यून करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये प्रीम्यून कभी किया जाता है, जब आप फॉलो अप करते हो आफ्टर वेबिनार, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्रीम्यून कैसे किया जाता है, ठीक है, ये जानना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी आई बटन में, ये भी एक बहुत अच्छी वीडियो है मेरी, मैंने इसमें बता रखा है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रीम्यून कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाली वीडियो को जाके देखो, ठीक है, आप सीख जाओगे कि प्रोस्पेक्ट को ना प्रीम्यून कैसे किया जाता है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा कि लोग आपके साथ ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उसको प्रीम्यून नहीं करते, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीम्यून करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यू डोंट गिव पर्सनल इंश्योरेंस योर प्रोस्पेक्ट। आप क्या करते हो, जब आप क्लोजिंग करते हो ना, तो उस टाइम पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना पर्सनल इंश्योरेंस नहीं देते, पर्सनल सपोर्ट नहीं दिखाते, जिसके वजह से ना वो ज्वाइन नहीं करता। देखो पर्सनल इंश्योरेंस या पर्सनल सपोर्ट दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर ना प्रोस्पेक्ट को ये बिलीव होता है कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पैसा भी आएगा और ये सामने वाला मेरी हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो पर्सनल इंश्योरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई तू स्टार्ट कर, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा पैसा नहीं कवर करूंगा, तू स्टार्ट कर, ठीक है। ये पर्सनल इंश्योरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आप पर्सनल इंश्योरेंस नहीं देते हो ना, इसीलिए प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करता या फिर बिलीव नहीं करता है, ठीक है। आप एक चीज सोचो, आपके जो अपलाइन है उन्होंने भी आपको एक पर्सनल सपोर्ट दिया होगा कि भाई बहन तुम स्टार्ट करो, मैं तेरे को पैसे कमाऊंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा इस बिजनेस में ग्रो करने में, तभी जाकर आपने बिलिंग किया होगा या फिर आपने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो आपका प्रोस्पेक्ट भी तो सेम है ना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि पर्सनल इंश्योरेंस कैसे दिया जाता है ये जानना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को ना पर्सनल इंश्योरेंस कैसे दिया जाता है। मैंने दो तीन तरीके बताए हुए हैं पर्सनल इंश्योरेंस देने के। अगर आपने उस तरीके से किसी भी प्रोस्पेक्ट को पर्सनल इंश्योरेंस दे दिया ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो प्रोस्पेक्ट बिलिंग करेगा ही करेगा। आप एक बार अप्लाई करके देखना, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आठवें नंबर पॉइंट की, और वो पॉइंट है, यू डोंट गिव अर्जेंसी योर प्रोस्पेक्ट। देखो जब भी आप क्लोजिंग करते हो ना, तो क्लोजिंग करते टाइम ना आपको अर्जेंसी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अर्जेंसी नहीं दोगे ना, तो कोई भी प्रोस्पेक्ट ना ये डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। जब आप अर्जेंसी देते हो ना, तो प्रोस्पेक्ट एट दी टाइम डिसीजन लेता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। जब तक आप अर्जेंसी नहीं दोगे, तब तक वो डिसीजन नहीं लेगा। एक लाइन हमेशा याद रखना, ठीक है, नो बडी विल टेक एनी डिसीजन टिल द टाइम दे डोंट फील दे हैव समथिंग अमेजिंग टू लूज। जब तक सामने वाले को ये फील नहीं हो जाता कि उसके हाथ से एक बहुत बढ़िया चीज जाने वाली है, ठीक है, तब तक वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है। तो आज से आप जब भी क्लोजिंग करोगे, चाहे वो 5,000 की करो, चाहे 10,000 की करो, चाहे आपको 2CC करो, कितने भी अमाउंट की करो, तो वहां पे आपको अर्जेंसी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये अर्जेंसी कैसे देना होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे
वीडियो पढ़िए, आप जाके देख सकते हो, आप अच्छे से सीख जाओगे कि किस तरीके से अर्जेंसी देना होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कि प्रोस्पेक्ट बिलिंग करे एट द टाइम, तो आपको अर्जेंसी देना है, तब जाकर ज्वाइन करेगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं बट ना वो अपने ऊपर काम करते नहीं है, ठीक है, वो अपने अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। देखो कोई भी इंसान ना दो चीजें देखकर आपके साथ ज्वाइन करता है, एक आपका नॉलेज देख के ज्वाइन करेगा या दूसरा आपका पे आउट, आपकी इनकम देखकर ज्वाइन करेगा। बट शुरुआत में देखो हमारे पास पे आउट दिखाने के लिए नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या दिखा सकते हो, अपनी नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एनर्जी, तब जाकर प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। अभी पे आउट नहीं है तो आप पे आउट तो दिखा नहीं सकते, तो आप अपना नॉलेज और कॉन्फिडेंस दिखाकर आप सामने वाले को ज्वाइन करा सकते हो। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, ठीक है, पीपल ज्वाइन विथ Those who are better than them. लोग उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ठीक है, जो उनसे बेटर होते हैं, ठीक है। आप एक चीज सोचो, अगर आपने अपने अपलाइन के साथ ज्वाइन किया था, तब किया था, आपको पता था कि आपका जो अपलाइन है ना वो आपसे बेटर है, ठीक है, तब जाकर आपने ज्वाइन किया था, राइट। तो यहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पे अपने आप को बेटर बनाना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने से बेटर लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता है। तो आपको आज से फोकस करना है कि अपने आप को बेटर बनाओ, ठीक है, नॉलेज लो डेली बेसिस पे, लर्निंग करो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर कोई भी इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा। सो आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यही सब पॉइंट है जिसके वजह से ना लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पे वर्क करना है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं 10th नंबर पॉइंट की। तो हमारा जो 10th नंबर पॉइंट है, यू डोंट सो रिकवरी देयर इन्वेस्ट अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को 5000 से बिजनेस स्टार्ट करा रहे हो तो आप उसको दिखाओ कि उसका ये 5000 रिकवर कैसे हो सकता है। अगर आप किसी की 2cc करवा रहे हो तो उसको दिखाओ कि उसका जो 2cc का जो अमाउंट है वो रिकवर कैसे होगा। बहुत सारे लोग 2cc करवा तो लेते हैं बट उसको ये बताते ही नहीं कि भैया उसका पैसा रिकवर कैसे होगा, ठीक है। जब आप उसके पैसे की रिकवरी दिखाओगे ना तो 110% प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा, क्योंकि उससे ये लगता है कि चलो यार अगर मैं 2cc कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा 2-3 महीने में तो पैसे रिकवर हो जाएंगे तो मैं 2cc कर लूंगा, ठीक है। तो आज से जब भी आप किसी की क्लोजिंग करो तो उस क्लोजिंग में आपको क्या करना है, रिकवरी दिखानी है कि भाई आप स्टार्ट करो, आपका पैसा रिकवर होगा, 100% होगा, तब जाकर जो है ना प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप किसी की बिलिंग करवाना चाहते हो, किसी की ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सामने वाले को रिकवरी दिखाना है वो जितनी भी अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, यू डोंट गिव इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं देते, ठीक है, जिसकी वजह से ना वो बिलिंग नहीं करता, ठीक है, और वो बाद में जाकर बोलता है कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझा रहे हो तो बिजनेस समझाने के दौरान ही आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज बताना है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देने के लिए आप उसके एजुकेशन का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कि आप अपने एजुकेशन पे आपने लाखों रुपए लगाया बट अभी कोई इन फ्यूचर कोई गारंटी नहीं है कि जॉब लगेगी, है ना। तो इस तरीके से आप सामने वाले को थोड़ा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दे सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा कि अगर प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करता या बिलिंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं दिया। तो आज से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना शुरू करो, 100% प्रोस्पेक्ट ना बिलिंग करेगा और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट भी करेगा। सो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, 12th नंबर पॉइंट। 12th नंबर पॉइंट है, यू डोंट एक्सप्लेन योर वर्क इन इजी वे। आप क्या करते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को ना बहुत हार्ड वे में बिजनेस समझाते हो, जिससे सामने वाले को ये फील होता है कि यार ये जो बिजनेस है ना ये तो बहुत हार्ड है, मेरे से होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को ना इजी वे में समझाना है, जिससे सामने वाले को ये फील हो कि यार ये जो बिजनेस है ना ये तो बहुत आसान है, मैं तो आसानी से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने वाले को ये फील हो गया ना तो 100% प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसीलिए अपने बिजनेस को इजी वे में समझाओ, ठीक है। अब ये इजी वे में कैसे समझाया जाता है ये आप अपने एक्टिव अपलाइन से पूछो, मैनेजर अपलाइन से पूछो, वो 100% आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब देखो इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, जैसे आपको मैं कुछ बोनस पॉइंट बता देता हूँ। आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये चीज दिखाओ कि आपका जो सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और इस सिस्टम से जुड़कर आज बहुत सारे लोग बहुत ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। आप ये चीज भी सामने वाले को दिखा सकते हो। और भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं, आप सामने वाले को ना कुछ ऐसी वीडियो सेंड किया करो जो उसके जैसा हो। जैसे मान लो कोई आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो मजदूर है, तो आप कुछ ऐसे मजदूर लोगों का आप फोटोज या वीडियो शेयर करो जो आज इस बिजनेस में काम करके ग्रो कर चुका हो, ठीक है। लड़की है तो लड़की से रिलेटेड, बॉयज है तो बॉयज से रिलेटेड उसको वीडियोस भेजो, 100% प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा। सो आई होप अभी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन्हीं सारी पॉइंट्स की वजह से लोग आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, राइट। सो अब आपको करना क्या है, अब आपको एक चेकलिस्ट बनाना है अपने डायरी में, ठीक है। अभी चेकलिस्ट किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे आपको मेरे स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको एक चेकलिस्ट बनाना है
ठीक है। और जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस समझाना शुरू करोगे तो आपको टिक करते जाना, अगर आपने किसी की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया टिक कर लेना, अगर आपने रिलेशन बिल्डिंग कर ली टिक कर लेना, अगर डाउट्स क्लियर कर दिया आपने टिक कर लेना, अगर आपने पर्सनल इंश्योरेंस दे दिया टिक कर लेना। अगर सारा टिक हो गया, सारे पॉइंट्स अगर टिक हो गया तो 100% प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा। अगर मान लो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर एक भी पॉइंट मिस होता है ना इसमें से, तो समझ लेना प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट होने चाहिए एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर, तब जाकर प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा, अदरवाइज ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि वो कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे, या फिर लोग मिनिमम बिलिंग नहीं कर रहे थे, या फिर 2CC नहीं कर रहे थे, राइट। तो इस वीडियो में जो भी आपको पॉइंट्स बताया गया ना, वो सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करो, वो सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। जब भी आप इन्विटेशन करते हो, फॉलो अप करते हो और क्लोजिंग करते हो, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को अगर आपने अच्छे से इंप्लीमेंट किया ना, 100% आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे और लोग आपके साथ बिलिंग भी करेंगे, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट्स था जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग आपके साथ बिलिंग नहीं कर रहे थे या फिर ज्वाइन नहीं कर रहे थे, राइट। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, राइट। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, राइट। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।